हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिजवान बलोच, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान लशारी। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। नोएडा सिटी है, इंडिया का बहुत बड़ा सिटी है, इसको मिनी जापान भी कहा जाता है। मिनी जापान इंडिया में आप मतलब सुन सकते हैं ये नाम, मैंने तो ये नाम पहली दफ़ा सुना है। डेबिट यूट्यूब चैनल की वीडियो है, 2023 की लेटेस्ट वीडियो है। तो जल्दी से दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानब, उसके बाद जब इस पर बात करेंगे शुरू करते हैं। नोएडा इंडिया का रैपिड ग्रोइंग सिटी, इंडिया का फ्यूचरिस्टिक सिटी है, जहाँ पे लार्ज नंबर पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे हाई रेज स्काईलाइन है, नेचुरल ग्रीनरी, मॉल मल्टीप्लेक्स, इंडस्ट्रियल हब, टूरिज्म हब है, रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट, F1 इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट है। ओवरऑल नोएडा इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला एक शहर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवदूत यूट्यूब। आइए मेरे साथ वर्चुअल एक्सप्लोर करिए नोएडा को। नोएडा जिसे इंडिया में मिनी जापान ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, शहर का विकास बहुत ही तेजी के साथ हुआ है। यहाँ पे हर तरफ गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, फिल्म स्टूडियो, IT एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, BPO हब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब नोएडा में मौजूद है, जो इस शहर को अलग लेवल पर लेकर गए हैं। नोएडा सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि ये इंडिया का फ्यूचर है। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट नोएडा। नोएडा इज सेड टू बी अ गेटवे टू द फ्यूचर। इट इज द प्लैंड न्यू सिटी टू राइज इंडिया अंडर द मैनेजमेंट ऑफ नोएडा। ये शहर उत्तर प्रदेश के अंदर ओखला नदी के किनारे बसा हुआ है और ये दिल्ली NCR का इंटीग्रल पार्ट है, जो नेशनल कैपिटल रीजन नाम से जाना जाता है। 17 अप्रैल 1976 में नोएडा शहर का गठन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ एन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट अंडर संजय गांधी। और आज देखिए ये शहर कहां से कहां तक पहुंच गया। पूरा का पूरा शहर ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जहां पे मल्टी इंडस्ट्री हब तैयार हुआ है और इसलिए इसे इंडिया का फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जा रहा है, जो इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल सकता है। पिछले कई सालों में नोएडा की सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली ग्रो किया है। यहाँ पे हाई रेज टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज की ऑफिस स्पेस, मॉल मल्टीप्लेक्स, वाइड स्ट्रीट, ग्रीनरी, सिटी ब्यूटिफिकेशन, हाईवेज, मल्टीफ्लाईओवर, रैपिड मेट्रो और भी काफी कुछ निर्माण हुआ है शहर में, जो नोएडा को बनाता है एक डेवलप्ड मेट्रो सिटी। इस शहर में भरपूर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यहाँ पे काम पे लगाया जा रहा है शहर के अंदर इंडस्ट्री बिल्ड करके। इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा हाई डेवलप्ड सिटी है नोएडा। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, लेकिन ज्यादातर लोग इंग्लिश से बात करते हैं। यहाँ के लिटरेसी रेट है 90%। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 8 से 10 लाख लोगों की आबादी है शहर में। नोएडा आगे चल के इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल सिटी बन सकता है, क्योंकि ये शहर दिल्ली NCR में मौजूद है। ऑलरेडी काफी सारे इंडस्ट्रियल जायंट ने यहाँ पे अपना परमानेंट बेस लगाया है और आगे चल के और भी काफी सारे कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे कॉमर्स और ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, इससे नोएडा शहर एक कॉमर्शियल हॉटस्पॉट बन के तैयार होगा। इससे और ज्यादा लोग शहर में बसने के लिए आएंगे और ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी शहर के अंदर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्ड होगी। इससे साफ पता चल रहा है नोएडा आगे जाकर एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ रहा है, जो इंडिया के फ्यूचर को बदल सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया के अंदर कोई भी शहर के मुकाबले यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल्स बना हुआ है। नोएडा के अंदर सेक्टर 18 ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स मॉल्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, लग्जरियस होटल्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, हाई रेज स्काईलाइन मौजूद है। नोएडा में मौजूद कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो पूरे इंडिया में जाना जाता है। इसमें द ग्रेट इंडिया पैलेस, DLF मॉल, सिटी सेंटर मॉल, गार्डन गैलरिया सबसे खास है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नोएडा के अंदर चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं, जिसके कारण नोएडा पूरे इंडिया में जाना जाता है। और इनमें से ऐसा ही एक गगनचुंबी इमारतें हैं, सुपर टेक सुपरनोवा। ये बिल्डिंग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो कि 80 फ्लोर की है। दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल्स में से काफी सारे चैनल यहाँ पे ही मौजूद है, जैसे CNN, IBN, NDTV। इसके अलावा काफी सारे फिल्म स्टूडियोज भी यहाँ पे मौजूद है। नोएडा शहर कुल दो भागों में बटा हुआ है, एक है नोएडा, दूसरा है ग्रेटर नोएडा। नोएडा शहर में ग्रीनरी बहुत ही ज्यादा है, शहर का 50% एरिया ग्रीनरी से कवर है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ पे इतना ज्यादा ग्रीनरी है, इसलिए नोएडा को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। इसके सड़क के दो साइड में ट्री लाइंड है, बहुत सारे ग्रीन पार्क फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। इतना ज्यादा ग्रीनरी के वजह से शहर के एनवायरमेंट भी काफी अच्छा रहता है। नोएडा की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। शहर पूरी तरीके से रैपिड मेट्रो से कवर है। राजधानी दिल्ली से फास्टेस्ट मेट्रो सर्विस अवेलेबल है।
इसके अलावा प्राइवेट बसेस, टैक्सीज, ऑटोज चलती है जिसे डेली कम्यूटर्स यूज करते हैं। इसके अलावा नोएडा में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन एक्सप्रेस वे मौजूद है। ईस्टर्न परिपरल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। वंडर वाटर एंड एडवेंचर पार्क पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। गर्मियों में दिल्ली के लोगों के लिए ये जगह पहला पसंद होती है। आपको पता है इंडिया का F1 रेस इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में मौजूद है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिंग सर्किट है। इंडिया में नोएडा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन हब एंड हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे काफी सारे यूनिवर्सिटी एंड कैंपस मौजूद हैं, जहाँ पे काफी सारे बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। ऐसे और भी काफी सारे फैक्ट नोएडा शहर से जुड़ा हुआ है, जो इस शहर को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर बना दिया है। नोएडा ऑलरेडी डेवलप्ड है, दिन प्रतिदिन ये और ज्यादा डेवलप्ड हो रही है। नोएडा आगे चल के इंडिया का मल्टी हब इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा, जिस वजह से यहाँ का इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। नोएडा शहर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है आपको शहर में और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए जिससे नोएडा शहर इंटरनेशनल पहचान बना सके? कमेंट पर जरूर बताएं। आई होप आपको नोएडा शहर को वर्चुअल एक्सप्लोर करके मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों। बहुत ही आउट क्लास और खूबसूरत हर किस्म की, मतलब जो आपको वहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलेगी। उसके अलावा फुली डेवलप सिटी है, बड़ी बड़ी इमारतें, हर किस्म का बिजनेस, हर किस्म का जो आपको सबसे अहम बात थी वो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा था। हाँ, 90% या लिटरेसी रेट का कमाल सिटी है और ये दुनिया का वैद मॉडर्न मतलब सिटी कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। इसे मिनी जापान का राज्य मेरे ख्याल में, इसको तो मिनी दुबई कहना चाहिए, जिस जगह से डेवलप हो रहा है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, उसके अलावा हर किस्म की इंडस्ट्री आपको वहाँ पर मिलेगी। रेलवे निज़ाम वहाँ पर बेहतरीन है, आपको आने जाने में कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो है ना, सिनेमा भी बहुत ज़्यादा हैं और वो सिनेमा के बाद उसके अलावा शॉपिंग मॉल हो गए और भी मतलब के लिहाज से भी ज़्यादा है। स्पोर्ट्स के लिहाज से मतलब रेसिंग कार का एक बहुत बड़ा जो है वो अच्छा ग्राउंड है। सबसे ज़्यादा जो है वो इस सिटी में जो है वो बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है, कमर्शियल हब आप इसको कह सकते हैं कि ये इंडिया का कमर्शियल हब है। बिजनेस जो है वो इस मतलब सिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा होगा। आबादी मेरे ख्याल में इसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर दूसरे शहरों में इस पर देखा जाए 8 लाख को ज़्यादा आबादी नहीं है। इंडिया जैसे बड़े शहर को अगर देखा जाए तो फिर भी मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो सिटी है। इंडिया को काफ़ी जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा GDP के हवाले से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।